प्रयागराज जिले में एक दूल्हे के साथ ऐसा हो गया कि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दूल्हा शादी के बाद मायके से दुल्हन को विदा कराकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में दुल्हन ने कार रुकवाई और फिर झाड़ियों के पीछे चली गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूल्हा भी उसके पीछे गया, लेकिन झाड़ियों के पीछे का नजारा देखकर दूल्हा बदहवास हो गया। दरअसल दुल्हन गायब थी। दूल्हे ने दुल्हन की काफी तलाश की, लेकिन दुल्हन का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। खेतों में काम कर रहे लोगों ने बताया कि दुल्हन एक युवक की बाइक पर बैठकर गई है। सच्चाई पता लगने पर बारातियों ने इसकी सूचना दुल्हन के परिजनों को दी। बिन दुल्हन के बारात वापस लौट गई। मायके वाले बेटी की तलाश में जुटे। दरअसल प्रयागराज जिले के मऊआईमा के एक गांव में बारात आई थी। शादी के बाद सोमवार को दुल्हन विदा होकर जा रही थी। तभी सुनसान जगह देखकर दुल्हन ने लघु शंका के बहाने कार रुकवा दी। सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों में चली गई और काफी देर ना लौटने पर जब दूल्हा उधर गया तो वहां कोई नहीं था। जानकारी होने पर घरवाले और बाराती उसे इधर उधर तलाशने लगे, लेकिन इस बीच खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक बाइक लेकर कई घंटों से चक्रोड के पास खड़ा था। लाल साड़ी पहने एक युवती आई और उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। माजरा समझ में आने के बाद वधु पक्ष को सूचना दी गई। अब दोनों ही पक्ष के लोग दुल्हन की तलाश में जुटे हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।